Hello everyone, this is me Sahil and welcome back to my new vlog of Manali. And Manali India की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और मनाली को खूबसूरत बनाती हैं यहाँ की सम अनएक्सप्लोर्ड एंड हिडन प्लेसेस एंड इनमें से एक है सजला वाटरफॉल। मैं पहले भी कई बार मनाली आ चुका हूँ बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई प्लान टू विजिट सजला वाटरफॉल एंड मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो एंड कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा इस जगह को विजिट करने का। एंड मैंने इस जगह को विजिट किया था इन द मंथ ऑफ जून एंड अकॉर्डिंग टू मी मानसून इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज उस टाइम आपको यहाँ पर मिलेगी लश ग्रीनरी। एंड मैंने इस जगह को विजिट किया था विद माई 4 फ्रेंड्स। हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था फ्रॉम न्यू मनाली टू सजला विलेज एंड अकॉर्डिंग टू मी बाइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस जर्नी। एंड मैंने अपना सफ़र तय किया था ऑन माई रॉयल इनफील्ड बिकॉज ऑन बाइक आप सीनिक व्यूज को इंजॉय भी कर सकते हो एंड आपको ट्रैफिक की टेंशन भी नहीं रहेगी। एंड मनाली से सजला विलेज की दूरी है तकरीबन 11 किलोमीटर्स की जो कि आप जस्ट 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे एंड आप अपनी बाइक या कार सजला विलेज में पार्क कर सकते हो। एंड हमने 50 रुपीस दिए थे पर बाइक फॉर पार्किंग। वाटरफॉल की ट्रैकिंग के स्टार्टिंग में आता है सजला विलेज का मेन टेंपल, जो कि सारा ही हिमाचली आर्किटेक्चर में बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ वुडन वर्क। एंड यहां से स्टार्ट होती है हमारी ट्रैकिंग फॉर वाटरफॉल। एंड ये ट्रैकिंग बहुत ही इजी है बिकॉज आपको यहां पर कोई भी स्टीप क्लाइम्स नहीं मिलेंगे एंड आप इजिली वॉक करके इस ट्रैक को कम्प्लीट कर सकते हो। एंड आपको तकरीबन 25 से 35 मिनट्स लगेंगे इस ट्रैक को कंप्लीट करने में एंड 10 से 15 मिनट की वॉक के बाद आपको पानी की आवाज़ और पंछियों के चहचहाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी जो कि आपकी जर्नी में फ्रेशनेस भर देगी। और कुछ ही देर बाद एक कोल्ड वाटर की छोटी सी वाटर कैनल आपके साथ साथ चलने लगेगी एंड उस व्यू को मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता बिकॉज वो सीनिक व्यू आपकी जर्नी को नेक्स्ट ही लेवल पर ले जाएगा। एंड कुछ ही देर में आप पहुंच जाओगे ऑन वाटरफॉल। एंड ये जो मेरे सामने सामने चल रहे हैं ये हैं हमारे सबसे छोटे यूट्यूबर एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटेड भी यही था फॉर दिस ट्रैक। हाँ जी लाओ बढ़िया जी तू इसमें और अब हम पहुंच चुके हैं ऑन वाटरफॉल एंड मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इस जगह की ब्यूटी को बिकॉज जितना खूबसूरत ये कैमरे में लग रहा है उससे कई ज़्यादा सुंदर था ये वाटरफॉल इन रियलिटी। एंड हमने काफ़ी वक्त यहाँ पर स्पेंड किया तकरीबन 2 से 3 घंटे। एंड यहाँ पर 2 कैफ़ेस भी थे जो कि यहाँ के लोकल्स के द्वारा चलाए जाते हैं।
एंड यहाँ पर जो दो लोकल कैफ़े थे उनमें से एक कैफ़े की ऑनर ने हमें लाइक कुछ चेयर्स एंड एक टेबल ऑफर किया सो वी कैन सिट इन द रिवर। एंड इन रियलिटी पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, आप 10 सेकंड से ज़्यादा अपने पैर पानी में नहीं रख सकते। एंड वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 2 to 3 hours ओवर हेयर। एंड यहाँ पर हमने काफ़ी लोकल फूड भी ट्राई किया लाइक सिड्डू एंड मैगी तो हमेशा की तरह ही। और अगर आप भी हिमाचल को विज़िट करने का प्लान कर रहे हो तो मस्ट ट्राई सिड्डू। एंड यहाँ की जो ऑनर थी उन्होंने हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स भी ऑफर किए। और अगर आप भी इस जगह को विज़िट करने वाले हो तो मस्ट ट्राई दिस कैफ़े एंड आकर इन आंटी की सेल बढ़ाओ। After spending 3 hours on this place, we left this place. But सच में इस जगह को छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जो भी दिखा रहा हूँ वो सिर्फ 50% ही है इस जगह का, because camera never justify the beauty of nature. जब आप खुद विजिट करोगे आप तभी इस जगह की खूबसूरती को रियलिटी में समझ पाओगे। अगर आप भी मनाली विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो आप भी इस जगह को अपनी लिस्ट में रख सकते हो। एंड अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड कमेंट ऑन अवर वीडियो। विल सी यू इन अवर नेक्स्ट ब्लॉग।